अब अगर आपने प्रोफाइल अपना फाइवर पे बना लिया है तो देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द गिग्स. अभी मैं गिग क्रिएट करने के बारे में नहीं बता रही, पहले मैं सिर्फ आपको गिग की साइकोलॉजी समझा रही हूँ कि आपने इस तरह की गिग्स कैसे बनानी है जो आपको सूट करेंगी प्रॉपरली. अभी हम आगे फ्यूचर में जाके इसी कोर्स के अंदर हम गिग्स की वीडियोस भी देखेंगे कि कैसे आपने गिग बनाना है स्टेप बाय स्टेप, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वड है वो भी हम करेंगे. लेकिन अभी मैं आपको पहले समझा रही हूँ कि अगर आप अपने गिग को क्राफ्ट नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग या अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको ये एक रेगुलर डे जॉब से भी ज़्यादा हेक्टिक लगना शुरू हो जाएगा. सो जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो करने में मज़ा आता है, जिन चीज़ों को आप इंजॉय करते हैं, उनको देखते हुए अपने गिग्स बनाएं जो आपको करने में मज़ा भी आए और जिसमें आपको पैसे भी मिलें. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप बिल्कुल सिंपल थिंक कर सकते हैं, लाइक राइटिंग बिजनेस नेम्स या राइटिंग सेंटेंसेस ऑन सैंड या विद फूड या ऑन बीच विद एनीथिंग. इस तरह आप डॉग वीडियोज़ बना सकते हैं, सिंपल है, बिल्कुल आसान है. आई विल मेक अ फनी डॉग वीडियो फॉर यू. या आप कैट वीडियोज़ बना सकते हैं अगर आपको बिल्लियाँ पसंद हैं. सो मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं. अब इसमें आपने करना क्या है कि आपने एक बैलेंस फाइंड आउट करना है ऐसी चीज़ में जिसमें आपको मज़ा भी आ रहा है. अगर आपको बाहर वर्किंग आउटडोर्स, अगर आप बाहर जाके आपको काम करने का मज़ा आता है, तो ये कितने मज़े की काम है. क्या आपको पैसे मिल रहे हैं जी फॉर गोइंग टू द सी फॉर एग्जाम्पल एंड राइटिंग नेम ऑन द बीच, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं. आपने कोई भी नाम लिखना है और ईजी भी है, फन भी है, आपको बाहर भी जाने का मौका मिल रहा है. अगर आप फाइवर पर सर्च करें राइट योर नेम विद सी शेल्स, तो ये जो टॉप सेलर गिग आ रहा है इसको 256 रिव्यूज मिल चुके हुए ऑलरेडी, और इतने लोग इसको बाय कर चुके हैं, इतने पैसे वो इस चीज़ से कमा चुका है. तो आप देखें कि कोई भी आइडिया फाइवर पे वेस्ट नहीं है, हर किस्म का गिग बन सकता है. अगर लोग एक बेसिक राइटिंग नेम्स विद सी शेल से कमा सकते हैं, तो आप भी कमा सकते हैं किसी भी चीज़ से. किसी भी काम में एक्सपर्ट होने के लिए हमें 10,000 घंटे चाहिए, ठीक है. किसी काम को एक्सपर्ट अगर आप बनना चाहते हो, आपको 10,000 घंटे चाहिए प्रैक्टिस के. तो ये 10,000 घंटे आप फाइवर के थ्रू अचीव कर सकते हो. साथ साथ आपको पैसे भी मिलते रहेंगे, साथ साथ आपका काम भी होता रहेगा. काम इस तरह का ढूंढें जिसमें मोबिलिटी भी हो, जिसमें आर्टिस्टिकली आपको क्रिएटिव होने का मौका भी मिले, जहाँ पे क्राफ्ट्समैनशिप भी आप अपनी शो कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रोशर्स या फ्लायर्स डिज़ाइन करना चाहते हो, तो ये एक इंटरेस्टिंग काम होगा आपके लिए कि आपका आर्टिस्टिक फ्लेयर भी होगा, आपकी नीड भी मीट हो रही होगी और आपको पैसे भी मिल रहे होंगे. सो अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए कोई ऐसा फिगर आउट करें चीज़ जो आपको सूट करता है, ऐसा गिग बनाएं. और नेगेटिव वर्क वैल्यूज़ को अवॉइड करें, लाइक जज करना या डिसअपॉइंट होना, मायूस हो जाना कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी तक अर्न नहीं किया, मेरी गिग को कुछ भी नहीं मिला. बी पेशेंट, एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए आपकी वर्क वैल्यूज़, आपके स्किल्स, इंटरेस्ट और फाइवर की डिमांड. फाइवर पे क्या चीज़ इन डिमांड है, आपका स्किल क्या है और आपकी वर्क वैल्यूज़ क्या हैं. इन तीनों चीज़ों के दरमियान एक हेल्दी बैलेंस फाइंड करके अपने गिग्स बनाएं, उसके अकॉर्डिंग उनको प्लान और क्राफ्ट करें, तो आप फाइवर पे कामयाब भी होंगे, ज़िंदगी में खुश भी रहेंगे, पैसे भी कमाएंगे.